ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को धमकी मिली है। महाराष्ट्र पुलिस ने बताया कि राज्यसभा सांसद संजय राउत को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से एक धमकी भरा संदेश मिला है, जिसमें पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की तरफ उनकी हत्या करने की बात कही गई है। महाराष्ट्र पुलिस ने बताया कि उद्धव ठाकरे गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल संजय राउत को धमकी भरे मैसेज भेजने के मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस शख्स को पुणे से हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, यह मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है। इस सरकार के आने के बाद हमारी सुरक्षा घटाई गई, लेकिन हमने इसके बारे में ज्यादा नहीं बोला है। मुख्यमंत्री का बेटा एक गुंडे के साथ मुझ पर हमला करने की साजिश करता है। इसको लेकर मैं पत्र लिखता हूं तो कहा जाता है कि यह एक स्टंट है। अगर हम सच बोलने पर आ गए तो भूकंप आ जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं डरूंगा नहीं। शिवसेना के सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर जान से मारने की धमकी मिली है। पार्टी के मुताबिक संजय राउत को शुक्रवार देर रात उनके मोबाइल पर एक व्हाट्सएप संदेश मिला है, जिसमें उन्हें धमकी दी गई है। संदेश में चेतावनी दी गई है कि जब भी संजय राउत नई दिल्ली में दिखेंगे, उन्हें AK-47 राइफल से गोली मार दी जाएगी। क्या बेटा एक साजिश करता है एक गुंडे के साथ मेरे पे हमला करने के बारे में, जब मैं जानकारी देता हूँ गृह मंत्री को तो बोलता है ये स्टंट है, तो आपके घर में जो होता है वो स्टंट नहीं है। ऐसा है कि संजय राउत यांना जी धमकी आलेली आहे त्या संदर्भात माणूस आयडेंटिफाय झालेला आहे। प्राथमिक रिपोर्ट असे आहेत की दारूच्या नशेमध्ये त्यांनी अशा प्रकारची धमकी दिली आहे, तथापि हे केवळ प्राथमिक अशा प्रकारचे रिपोर्ट आहेत, त्यामुळे या संदर्भात संपूर्ण तपास केला जाईल आणि कोणीही धमकी दिली असेल तरी कारवाई होईल। महाराष्ट्रामध्ये कोणी कोणाला धमकी दिली तरी देखील या ठिकाणी सरकार आणि पोलीस शांत बसणार नाहीत, अशा कुठल्याही व्यक्तीवर कारवाई होईल। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।